हाय, एज आई अर्लियर प्रॉमिस्ड, पिछली बार एक वीडियो में मैं आपके लिए कंप्यूटर्स और आईटी के कट ऑफ लेके आया था। दिस टाइम आई हैव कम अक्रॉस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की एक कट ऑफ। अगेन स्पेसिफिकली स्पीकिंग, ये है 2019 में जब एडमिशंस कंप्लीट हुए तब के कट ऑफ। ऑब्वियसली वी हैव टू टेक एन आइडिया फ्रॉम देयर, वहीं से आइडिया लेना पड़ेगा कि इस साल क्या सिचुएशन होगी। पिछले वीडियो में आई वाज वेरी क्लियर कि पिक्चर कोई ज्यादा अलग नहीं होने वाली है, इट विल बी वेरी मच सिमिलर टू लास्ट ईयर। जो भी इस लॉकडाउन का असर होगा वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस, लेकिन एटलीस्ट स्टूडेंट्स को अपना टारगेट बनाने के लिए ये वीडियो पक्का हेल्प कर सकता है। इट कैन हेल्प। कंप्यूटर्स आईटी के कट ऑफ आपको पिछले ही वीडियो में मिल चुके हैं। लेट्स लुक एट मैकेनिकल ईएक्सटीसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कट ऑफ। देयर इट इज द बेस्ट कॉलेज ऑफ मुंबई अगेन, VJTI, वीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट माटुंगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो कट ऑफ हुआ था लास्ट ईयर वाज 99.5922 फॉर जनरल कैटेगरी। जब इस 99.5922 को मैं मार्क्स पे मैपिंग करता हूं तो 167 के आसपास यू कैन कंसिडर प्लस और माइनस 1 और 2 मार्क्स, इतना पॉसिबल है। ये मैंने आपको स्पेसिफाई किया था इवन लास्ट टाइम इन कंप्यूटर साइटी कट ऑफ वीडियो कि मेरे जो ये परसेंटाइल कट ऑफ है ये एक्यूरेट है, पर मेरे ये जो मार्क्स वाले कट ऑफ है ये अप्रोक्सीमेट है, कोई भी आपको इसका एक्यूरेसी नहीं दे सकेगा। लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन काफी सटीक है, एक दो मार्क आगे पीछे हुआ तो हुआ। 300 स्टूडेंट के डेटा से बनाया गया ये। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल कैटेगरी वीर माता जीजाबाई 99.5922, मार्क समवेयर अराउंड 167, सॉरी बाय मिस्टेक आई सेड 190, 167। लेडीज कैटेगरी वुमेन्स कोटा 98.8383। ऑब्जर्व, जब आपने कंप्यूटर्स और आईटी के कट ऑफ देखे थे, जनरल और लेडीज में ज्यादा फर्क नहीं होता है, बहुत हल्का सा डिफरेंस आता है। नाउ व्हेन यू आर सीइंग मैकेनिकल के कट ऑफ तो डिफरेंस इज अ लिटिल हायर, ऑलमोस्ट 17 मार्क का डिफरेंस आ रहा है और परसेंटाइल भी काफी डिविएट हो गया, 99.5922 से 98.8383 पे आ गया। 150 मार्क्स अप्रोक्सीमेट फॉर लेडीज कोटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग VJTI। ऑल इंडिया नो कोटा, दैट इज JEE मेंस के मार्क्स पे VJTI एडमिशन नहीं देगा। EHTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जनरल कैटेगरी 99.6715, यस मैकेनिकल से हायर। EHTC का कट ऑफ इज मैकेनिकल से हायर, अप्रोक्सीमेट मार्क्स 170। लेडीज कोटा 99.424, मार्क्स 161। ज्यादा गैप नहीं है जनरल और लेडीज कोटा में, फिर भी गैप है, ज्यादा गैप नहीं है पर गैप है, अराउंड 9 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। गर्ल्स को उतना फायदा मिल जाता है, 170 मार्क्स तक पे 22 को ही EHTC मिल सकता है और गर्ल्स 161 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स ETRX जनरल कैटेगरी 99.4843, 163 मार्क्स अप्रोक्सीमेट, एंड लेडीज कोटा 99.3232, यहां पे और गैप कम हो गया, 4 मार्क का गैप।
163 मार्क्स तक पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है टू जनरल कैटेगरी, और लेडीज को 159, गर्ल्स कोटा 159 तक पॉसिबल है JEE मेंस पे, नो एडमिशन इन BJTI। यू कैन जस्ट इमेजिन मैकेनिकल के लिए जनरल और गर्ल्स में गैप इज बिगर, मे बी बहुत ज्यादा गर्ल्स में एंथुसियाज्म नहीं होता टू गो फॉर मैकेनिकल, बट स्टिल दे गो फॉर इट। अगर एक 150 मार्क तक की गर्ल स्टूडेंट मैकेनिकल के लिए ऑप्ट कर रही है इन BJTI, मतलब ये उनके लिए भी वर्थ है। I hope I am very clear with mechanical, EXTC and electronics for BJTI. Let's look at Sardar Patel. मैंने सरदार पटेल के दोनों कॉलेज के कट ऑफ एक ही स्लाइड पे दिखाने का आपको ट्राई किया। When I say सरदार पटेल के कट ऑफ एक ही स्लाइड पर मैंने दिखाने का आपको ट्राई किया है, जस्ट ऑब्जर्व हाउ इट इज वर्किंग ऑफ। When I say Sardar Patel College of Engineering, COE, which is a government-aided college, ये एक government-aided college है। Government-aided का मतलब आपको पता है, उनकी फीस 90,000 के आसपास होती है, 90,000। BJTI में भी फीस will be around 90,000 per year, per annum। तो ये जो Sardar Patel College of Engineering है, ये तुम्हें मैकेनिकल ब्रांच ऑफर कर सकता है, ये ऑफर मैकेनिकल। जनरल कोटा 99.308 एंड मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 158, अप्रोक्सीमेटली 158 मार्क्स पे मैकेनिकल कट ऑफ इन सरदार पटेल। लेडीज कोटा 97.9486, कैन यू इमेजिन आपका परसेंटाइल कितना नीचे आया, ऑलमोस्ट चेक करना 1.6 परसेंटाइल नीचे आ गया। ये गैप आपको मैकेनिकल में ही इतना देखने को मिल सकता है। 99.308 पे जनरल कैटेगरी मैकेनिकल, 97.9486 पे गर्ल्स कैटेगरी मैकेनिकल। मार्क्स 158 फॉर जनरल, 142 और गर्ल्स। अगेन सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी JEE कोटा नहीं रखता, दे डोंट हैव JEE कोटा, सो दे वोंट गिव यू एनी एडमिशंस ऑन JEE मार्क्स। EXTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये आपको ऑफर करेगा सरदार पटेल का जो प्राइवेट कॉलेज है वो, अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी लेकिन प्राइवेट, मतलब उसकी फीस 1,60,000 to 1,65,000 के आसपास होगी। और सिंस वो प्राइवेट है वो JEE कोटा रखता है, दे कीप JEE कोटा। बैक टू द कट ऑफ, EXTC जनरल कैटेगरी 99.3427, मार्क्स 159, लिटिल नॉच अबोव मैकेनिकल। 158 पे सरदार पटेल मैकेनिकल क्लोज हुआ, 159 पे सरदार पटेल EXTC क्लोज हुआ। लेडीज कोटा 98.803, थोड़ा नीचे आया, 10 मार्क तक नीचे आया, 98.803। JEE परसेंटाइल पे जो क्लोज हुआ था लास्ट ईयर 98.1116 EXTC इन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। JEE का सबके पास अपना अपना फाइनल परसेंटाइल आ चुका है, हर बच्चे के पास JEE का परसेंटाइल है, तो मार्क्स का आइडिया देने की जरूरत ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल कैटेगरी 99.1682, 154 मार्क्स अप्रोक्सीमेट 154। एंड लेडीज कोटा जनरल, लेडीज कोटा 98.3738, मार्क्स 145। ज्यादा गैप नहीं है, स्टिल 9 मार्क्स का गैप इज देयर। 99.1682 फॉर जनरल कैटेगरी एंड गर्ल्स कोटा 98.3738, JEE परसेंटाइल 96.9589 पे
इलेक्ट्रॉनिक्स क्लोज हुआ था इन सरदार पटेल। बच्चों को ये बता दूं, ये जो सारे कट ऑफ हैं, ये है कैप राउंड वन, कैप राउंड टू, कैप राउंड थ्री के। उसके बाद यहां पर इंस्टीट्यूट कोटा, वैकेंसी राउंड, बहुत कुछ होता है। अगर मुझे लास्ट ईयर का डेटा याद है, वैकेंसी राउंड, इंस्टीट्यूट कोटा नहीं, वैकेंसी राउंड, इलेक्ट्रॉनिक्स 123 मार्क्स पे भी मिला है इन एसपीआईटी। 123 का एक बच्चा मेरे पास था जिसको एसपीआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स मिला था इन वैकेंसी राउंड। उससे नीचे वाले को भी मिला होगा, पर मेरे पास वो बच्चा नहीं, मेरे पास 123 मार्क्स तक का बच्चा था जिससे एसपीआईटी में वैकेंसी राउंड में इलेक्ट्रॉनिक्स मिला था। पर याद रखना, वैकेंसी राउंड इतना लेट होता है, अब तक कॉलेजेस चालू हो जाएंगे और इनका वैकेंसी राउंड चलता रहेगा, यानी थोड़ा सा बच्चे की कॉलेज पढ़ाई का नुकसान होता है, लिटिल बिट। बट स्टिल अगर आपको सरदार पटेल जैसा कॉलेज मिलता है, व्हाई नॉट टू गो फॉर इट। हल्का फुल्का नुकसान आप कोचिंग के थ्रू पूरा कर सकते हो। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दिस मच, द नेक्स्ट थर्ड बेस्ट कॉलेज ऑफ मुंबई, डीजे सांगवी वेलेपार्ला। डीजे सांगवी में तीनों ब्रांच है, मैकेनिकल, ईएक्सटीसी एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिकल कट ऑफ 98.0768 मार्क्स अराउंड 144। यस, 98.0768 मार्क्स अराउंड 144। हमारा ऑब्जर्वेशन हमें पता है, लास्ट टू लास्ट ईयर यानी 2018 में 135 मार्क्स वाले को भी मैकेनिकल मिल गया था इंडीजे संग। बट 2019 में क्या हुआ, सब बच्चों को पता है, देयर वाज अ एसईबीसी कोटा। वो एसईबीसी कोटा ने ये थोड़े से कट ऑफ राइज कर दिए, क्योंकि उनको 10% कोटा चला गया। तो कई बच्चे आपको बोलेंगे जो 2017 के एडमिशन्स है या 18 के एडमिशन्स है, कि यार मेरे को तो 135 था, 136 था, मुझे मैकेनिकल मिल गया था डीजे सांगवी में, तू चिंता नहीं कर, ये वीडियो 144 बोल रहा है, 135 पे मिलता है। पर बेटा उस बच्चा 2018 और 2017 वालों के लिए एसईबीसी कोटा नहीं था, इसीलिए कट ऑफ 135 तक गया था। और हाँ, इंस्टीट्यूट कोटा में 135 तक मिल सकता है, इंस्टीट्यूट कोटा एंड वैकेंसी राउंड्स में 135 तक डीजे संघवी मैकेनिकल मिल सकता है। तो कीप योर होप्स अलाइव इवन दिस ईयर। जनरल कैटेगरी 98.0768 मार्क्स 144, लेडीज कोटा 94.9016। ये देख डिफरेंस, देखो डिफरेंस कहां, 98.07 कहां 94.90 मार्क्स में, ऑलमोस्ट 23 मार्क्स का फर्क आ गया। 23 मार्क्स का डिफरेंस फ्रॉम जनरल कैटेगरी टू गर्ल्स कोटा। व्हाई? मैकेनिकल ब्रांच है गाइस, JEE 96.3697। यस, डीजे सांगवी में 4% कोटा है फॉर JEE, 4%। जस्ट अगर मैंने मिस किया होगा, जो पिछला कॉलेज था एसपीआईटी, गवर्नमेंट नहीं, वो तो JEE कोटा देता ही नहीं है, एसपीआईटी में JEE को 15% कोटा है, 15%, क्योंकि वो कोई माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है, इट इज नॉट अ माइनॉरिटी कॉलेज, hence they have 15% JEE quota, while when I talk about DJ Sanghvi, they have 4% JEE quota because they are Gujarati minority college। तो ये जो आप JEE का कट ऑफ देख रहे हो JEE के बेसिस पे, ये उन 4% सीट्स के अलॉटमेंट से आया हुआ है। 96.3697 EXTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम 98.0486, 142 मार्क्स तक EXTC,
गया था लास्ट ईयर इन कैपराउंस, इंस्टीट्यूट कोटा के थ्रू 125 तक भी गया है। गर्ल्स कोटा 98.145 मार्क्स 143। ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑब्जर्व, लेडीज कोटा दैट इज गर्ल्स कोटा इज अ मच हायर देन द जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी से थोड़ा सा ऊपर है, यानी यहां गर्ल्स ने बाजी मारी। 98.145 पे गर्ल्स कट ऑफ हुआ और 98.0486 पे जनरल 142 143। जेडब्ल्यू मार्क्स के बेसिस पे 97.0111 ऑल इंडिया जेडब्ल्यू कोटा। इलेक्ट्रॉनिक्स ईटीआरएक्स जनरल कैटेगरी 97.5424 140 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली एंड 95.3281 125 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, 15 मार्क का फर्क। जैसे जैसे कॉलेजेस रैंकिंग में नीचे आते जाएंगे ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग। जेडब्ल्यू बेसिस पे जो कट ऑफ था 95.7305, और अगर मैं इंस्टीट्यूट कोटा लेवल पे बात करूं तो इवन एक 105 मार्क्स वाले बच्चे को भी इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट ईयर मिला था, 105 मार्क वाले को भी इलेक्ट्रॉनिक्स डीजे संघवी में मिला था। कंसिडरिंग योर इंस्टीट्यूट कोटा वेकेंसी राउंड एंड एवरीथिंग, ईएक्सटीसी 125 तक भी गया था, इंस्टीट्यूट कोटा एंड वेकेंसी राउंड मैकेनिकल 135 तक गया था। नेक्स्ट बेस्ट कॉलेज ऑफ बॉम्बे थाटुमल सहानी बांद्रा, यू कैन सी इसमें मैकेनिकल का सेक्शन ब्लैंक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन ब्लैंक है, मतलब ये दो ब्रांचेस इनके पास है ही नहीं, दे डोंट हैव। जस्ट आपके इन्फो के लिए बता दो, दिस ईयर थाटुमल सहानी इज इंट्रोड्यूसिंग एआई एंड डेटा साइंस, आल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस इस साल इंट्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, उनके पास ईएक्सटीसी ब्रांच है पहले से, जनरल कैटेगरी 95.2329 124 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, 95.9133 लेडीज कोटा, गर्ल्स कोटा 128 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा फर्क नहीं आया, 95.2329 95.9133। यानी थाटोमल सहनी जो तीन मेन ब्रांचेस हैं वो लेके लास्ट ईयर भी बैठा था कंप्यूटर्स आईटी ईएक्सटीसी। कंप्यूटर आईटी के कट ऑफ थाटोमल के मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ, ईएक्सटीसी के मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। जेडब्ल्यू बेसिस का कट ऑफ था 95.0119। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं इसके लिए। लास्ट ईयर तक थाटोमल में केमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक इंजीनियरिंग ब्रांच भी थी। इस साल देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि शायद ये ब्रांचेस ना हो इस साल, वेरी हाई पॉसिबिलिटी। तो डोंट रिलाय ऑन कि यहां बायोटेक है, बायोटेक का वी आर ऑलमोस्ट श्योर कि बायोटेक थाटोमल से निकल चुका है, केमिकल वी आर ऑलमोस्ट सर्टन कि इट इज इवन आउट ऑफ थाटोमल नाउ, पर जब तक एडमिशन ब्रोशर नहीं आता हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। फादर एग्नेल बांद्रा मैकेनिकल हार्डली कुछ ही साल हुए हैं, शायद 1 or 2 years उन्होंने मैकेनिकल अपने कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया। पहले उनके कॉलेज में प्रोडक्शन ब्रांच था, दे वर हैविंग प्रोडक्शन, नाउ दे हैव मैकेनिकल 95.578 जनरल कैटेगरी कट ऑफ 126 मार्क्स, गर्ल्स कोटा 83.2173 सी द ड्रॉप
95.578 से मैकेनिकल गर्ल्स कैटेगरी डायरेक्टली फॉलन टू 83.2173 मार्क्स 95 अराउंड लॉटरी इट्स अ लॉटरी यानी एक बच्चा जिसको 100 मार्क आता है और अगर वो गर्ल है तो वो फादर एग्नल में मैकेनिकल ब्रांच हासिल कर सकती है. फादर एग्नल में EXTC ब्रांच इज नॉट देयर, टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच इज नॉट देयर इन फादर एग्नल कॉलेज. ECS ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं. हाँ वो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है अब, 2 साल पहले तक था, अब नहीं है. अब उनके पास जो ब्रांच है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ECS बोलते हैं इसको. उन्होंने लास्ट ईयर IT और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को सैक्रिफाइस किया था और उसके जगह पर ये नया ब्रांच इंट्रोड्यूस किया था ECS, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस. जनरल कैटेगरी कट ऑफ 95.5639, 126 मार्क्स अप्रोक्सीमेट. गर्ल्स कोटा 93.9782, 115 मार्क्स. JEE बेस एडमिशंस 94.7238, that is JEE based cutoff 97.7238. Father Agnel is a Christian minority college. जब मैं ये बात करता हूँ, it's a Christian minority college. Let me tell you, 50% seats क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व्ड होती है. बहुत बेनिफिट है उसमें. क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कट ऑफ, अगर मैं इवन कंप्यूटर्स ब्रांच के लिए बात करूं तो भी 54% तक जाता है. तो मैकेनिकल और ECS का तो और भी नीचे आता है. और 54% अगर मैं अप्रोक्सीमेट करूं 70-75 मार्क के आसपास आएगा, बट ओनली फॉर क्रिश्चियन कोटा, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज. यस, इन दिस वीडियो आई हैव एडेड फादर एग्नल वाशी. पिछले वीडियो में मैं फादर एग्नल वाशी ऑलमोस्ट मैंने शायद नहीं डाला था, या लास्ट स्लाइड में टेबुलर फॉर्म में डाला था. मैंने इस साल इस वाले वीडियो में प्रेफर किया है, आई हैव टेकन इट फॉर माय स्टूडेंट्स फ्रॉम सेंट्रल लाइन. मैकेनिकल 96.4075, 131 मार्क्स कट ऑफ. गर्ल्स कोटा 89.3875, 100 मार्क्स. डिफरेंस समझ में आता है, सब बच्चों को डिफरेंस समझ में आता है. मैकेनिकल में जनरल और लेडीज में काफी डिफरेंस आ रहा है. पिछले में भी आया था, फादर एग्नल बैंड्रा में भी आया था, और अब फादर एग्नल वाशी में भी आ रहा है. 93.1704 पे इनका JEE बेस एडमिशंस क्लोज हुआ. EXTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जनरल कैटेगरी 91.7582, यानी इसमें मैकेनिकल से काफी लोअर कट ऑफ है EXTC का, 104 मार्क्स अप्रोक्सीमेट. एंड गर्ल्स कोटा 92.0565, 105 मार्क्स अप्रोक्सीमेट. ऑल इंडिया 88.2601, काफी लोअर है. यानी ये वो बच्चे हैं जो एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन फादर एग्नल वाशी EXTC उन्हें मिल सकता है. ये जो अब आपको डिफरेंस दिख रहा है कि 91.75 से 92.05, यानी 0.3 का फर्क है आसपास, लेकिन मार्क्स एक ही मार्क का फर्क आया. यस, जैसे जैसे मार्क्स नीचे आएंगे परसेंटाइल स्पीडिली फॉलो होगा. इनफैक्ट आप इसी स्क्रीन पे देख सकते हो, 91.75 पे 104 और 89.38 पे 100 मार्क्स. अब
जितना लोअर मार्क्स होगा परसेंटाइल उतना ड्रास्टिकली फॉल होगा, हायर मार्क्स वालों को बेनिफिट रहता है। सेंट्रल लाइन का मैं कहूंगा किंग, मुंबई यूनिवर्सिटी में सेंट्रल लाइन का किंग स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फादर अखिल वाशी में बी अ क्वीन, जस्ट अ जोक। स्वामी विवेकानंद चेंबूर दे डोंट हैव मैकेनिकल ब्रांच, बट हाँ स्वामी विवेकानंद कॉलेज इज अ सिंधी माइनॉरिटी कॉलेज, लाइक खाटूमल, खाटूमल भी सिंधी माइनॉरिटी कॉलेज है। यू कैन सी ईएक्सजीसी कट ऑफ 93.7179, 113 marks, and ईएक्सजीसी गर्ल्स कोटा 93.1523, 110 marks, 93.7179, 113 marks, 93.1523, 110 marks. ज्यादा फर्क नहीं आया लकीली, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ये सेंट्रल लाइन का राजा है। यहां बच्चे सेंट्रल लाइन के जाने के लिए उत्सुक होते हैं। अगर सेंट्रल लाइन का बच्चा है उसके टॉप फोर ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद रहेगा, मे बी वीजेटीआई वो पहले लिखेगा, उसके बाद वो सीधा विवेकानंद लिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स 87.413, that is 98 marks. Girls quota 82.2088, 93 marks. All India 86.4674. Think all three cutoffs below 90 percentile now. यानी सिंपल बेटा, इससे समझ में आता है पता नहीं क्यों, why? बच्चे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ इंक्लाइंड नहीं है, शायद इसलिए कि इंडिया में उनके लिए जॉब्स कम है। बट बिलीव मी गाइस, अगर आपने सुना होगा सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चेन्नई में आ चुका है, नोकिया का नोएडा में है, एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूपी में लेके आ रहा है। अगर नोकिया एप्पल सैमसंग जैसी कंपनीज इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाल रही है तो ईएक्सटीसी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ने वाली है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो आई विल स्टिल से स्टूडेंट्स को गो फॉर इट गाइस, नथिंग बैड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गांधीवली, मैकेनिकल जनरल कैटेगरी कट ऑफ 91.5405, 103 मार्क अराउंड, माय गॉड, सी द गर्ल्स कोटा कट ऑफ 70.2526 फॉर गर्ल्स मैकेनिकल ठाकुर कॉलेज। यानी अगर गर्ल्स 75 मार्क तक भी अगर स्कोर कर रही है दे कैन गेट ठाकुर कॉलेज मैकेनिकल। जेडब्ल्यूई बेस एडमिशंस 90.9833, EXTC जनरल कैटेगरी 90.0715, 101 मार्क्स, 101, और 89.5501 फॉर गर्ल्स कोटा, 100 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली। यानी अगर आप 200 मार्क्स के सीईटी में आधा भी लाते हो 100, तो भी आपको इधर एडमिशन मिल सकता है एज अ गर्ल। JEE इवन एज अ बॉय जनरल कैटेगरी आल्सो, JEE कोटा 90.1676, इलेक्ट्रॉनिक्स सी द डाउनफॉल 87 परसेंटाइल 87.3141 पे जनरल कैटेगरी 98 मार्क्स, गर्ल्स कोटा 78.7461, 77 मार्क्स। Fall is steep, guys. Fall is steep. 88.57, 5178 JEE percentile cutoff for Thakur College. Thakur College is a Hindi speaking minority college. Yani, jinki mother tongue is Hindi, unke
एलसी पे लिखा है मदर टंग हिंदी, उनके लिए 50% सीट ठाकुर में रिजर्व्ड होंगी। ठाकुर कॉलेज इस साल 3 नए ब्रांचेस लाया है, एआई एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और एक आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। 3 नए ब्रांचेस लाया है इस साल, पहली बार ये ब्रांचेस आए हैं, इसीलिए कट ऑफ की गारंटी हम नहीं दे सकते बिकॉज लास्ट ईयर तक नहीं थे, तो वी डोंट नो। लेकिन कहीं ना कहीं मान के चलो एआई एंड डेटा साइंस का कट ऑफ कंप्यूटर्स और आईटी से थोड़ा नीचे होगा, आईटी से इक्वल भी हो सकता है, पर कंप्यूटर से ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, कंप्यूटर से नीचे ही होगा। सो दीज वर फ्यू वेरी गुड कॉलेजेस ऑफ बॉम्बे जो मैकेनिकल ईएक्सटीसी और इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ऑफर करते हैं, ये 3 ब्रांचेस आपको ये ऑफर करते हैं। रिगार्डिंग एनी फर्दर इंक्वायरीज और एनी फर्दर क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, दीज आर आवर नंबर्स, शापल ट्यूटोरियल्स, वी आर सिचुएटेड इन बोरीवली वेस्ट, अंधेरी वेस्ट, वसई वेस्ट एंड थाना वेस्ट, हमारी 4 ब्रांचेस है, हम 3 डायरेक्टर्स है, अनुराग गुप्ता, माइसेल्फ, प्रोफेसर हरीश नरुला, प्रोफेसर मनीष नाटकर्णी। चारों ब्रांचेस में पूरा पूरा सब्जेक्ट हम ही 3 टीचर्स पढ़ाएंगे, कोई चौथा टीचर पढ़ाने के लिए एंटर करता नहीं है। हाउएवर दैट वॉज नॉट माई प्राइमरी मोटिव ऑफ दिस वीडियो, ये वीडियो आप लोग के लिए था कि आप कट ऑफ जान सको फॉर मैकेनिकल ईएक्सटीसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। बहुत डिटेल्ड सेमिनार होने वाला है हमारा आफ्टर सीईटी, जिसमें हम एडमिशन प्रोसेस समझाएंगे, कैसे कैप राउंड 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, उसकी बारीक से बारीक न्यूसेंसेस, यस आई विल यूज द वर्ड न्यूसेंसेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वो प्रोसेस समझता ही नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग। इंस्टीट्यूट कोटा क्या होता है, कैसे होता है, वैकेंसी राउंड क्या होता है, कैसे होता है, इसको लेकर पूरा एक 4 घंटे का सेमिनार होगा आफ्टर सीईटी। एनीबॉडी इंटरेस्टेड दे कैन गिव अस अ पिंग, अ हाई ऑन एनी ऑफ दीज नंबर्स व्हाट्सएप, हम लोग आपको सेमिनार ग्रुप्स पे एंटर कर देंगे। आई होप आज का वीडियो आप लोग को काफी हेल्प करेगा टू नो द मैकेनिकल ईएक्सटीसी एंड ईटीआरएक्स ब्रांचेस कट ऑफ, और आपके बच्चों को एक टाइम, एक टारगेट सेट करने में हेल्प करेगा। पिछला वीडियो कंप्यूटर आईटी को लेके था, ये मैकेनिकल ईएक्सटीसी और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके था। मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल बी अगेन बैक टू यू विद सिविल, केमिकल, दैट्स इट। अब यही 2 ब्रांचेस बची हैं जो प्राइमरी ब्रांचेस हैं विच आर अवेलेबल इन मुंबई। केमिकल 1 या 2 कॉलेज में है, सिविल यस इन फ्यू कॉलेजेस वी विल हैव। विल मीट यू अगेन गाइस, थैंक यू।